फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक सुंदर सी कहानी लेकर। आज की कहानी मेरी शिक्षकों पर आधारित है। जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं या जो शिक्षक हैं, उनके जीवन में ऐसी घटना ज़रूर कभी ना कभी ज़रूर घटित हुई होगी। और जो शिक्षक बनने वाले हैं, उनके लिए ये शिक्षा का स्रोत है। ये जो कहानी है, ये मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हर शिक्षक अपने जीवन में कुछ अच्छा कर जाना चाहता है और एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है, लेकिन कभी कभार हम जो बोलते हैं वो 100% सच नहीं होता। तो आइए शुरू करते हैं कहानी को। और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आपने अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आइए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक शिक्षिका की है और वो जब भी अपने क्लासरूम में घुसती थी, अपने कक्षा में घुसती थी, तो वो सारे बच्चों को आई लव यू ऑल करके संबोधित करती थी। मैं तुम सभी को बहुत प्यार करती हूँ, ऐसा कहकर वो संबोधित करती थी, आई लव यू ऑल। और जब वो आई लव यू ऑल कहती थी तो वो ये अच्छे से जानती थी कि वो सच नहीं बोल रही है, वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास के सारे बच्चों से एक समान प्यार करना मुमकिन नहीं है। कुछ बच्चे बहुत प्रिय होते हैं और कुछ नहीं पसंद आते हैं शिक्षकों को। लेकिन ये एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है बच्चों के लिए कि मेरा शिक्षक आते ही मुझे प्यार से कह रहा है आई लव यू ऑल। तो वो हमेशा ये कहती थी, लेकिन एक बच्चा उसकी निगाह में हमेशा खटकता रहता था और वो बच्चा था राजू, जो कि रोज स्कूल तो आता था लेकिन शारीरिक रूप से वह स्कूल में उपस्थित रहता था और मानसिक रूप से वह स्कूल में उपस्थित नहीं रहता था। अब शिक्षिका कारण जानने की कोशिश नहीं करती है, शिक्षिका इस चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करती हैं कि वो क्यों इस तरीके से रहता है, मानसिक रूप से वो क्लास में उपस्थित क्यों नहीं रहता है, शारीरिक रूप से उपस्थित रहता है। और इसको जानने का ना प्रयास करते हुए वो उस पर क्रोध, व्यंग, कमेंट्स और बाणों पे बाण मारती थी। कभी उसके गंदे कपड़े को देखकर, कभी उसके आधे बधे हुए जूते को देखकर, कभी उसके बैग को देखकर, कभी उसके उलझे बालों को देखकर हमेशा वो कटाक्ष किया करती थी। तो वो बालक कभी भी रिएक्शन नहीं देता था, कोई उसका कोई जो है गुस्सा नहीं दिखाता था, कभी क्रोध नहीं दिखाता था, कोई उत्तेजना नहीं दिखाता था। वो चुपचाप सर नीचे बस कर लेता था। जब भी शिक्षिका उसका मजाक बनाती थी, शिक्षिका उसको व्यंग करती थी, बच्चे सभी हंसते थे उस पर, तो वो बच्चा कभी भी कोई रिएक्शन ना देकर वो चुप हो जाया करता था, सर नीचे कर लिया करता था और क्लास के बाहर चला जाया करता था। इस तरीके से पूरा सेमेस्टर बीत गया और आखिरी रिजल्ट बनाने का समय आया और शिक्षिका ने अपने व्यवहार के अनुकूल ही क्या किया, राजू का रिपोर्ट कार्ड बनाया और राजू के रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने एक भी प्रतिकूल पॉजिटिव लाइन नहीं लिखी, सभी नकारात्मक चीजें उसमें भर दी, क्योंकि उन्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। माता पिता के पास पहुंचने से पहले ही रिपोर्ट कार्ड हेडमास्टर के पास, मतलब प्रिंसिपल महोदय के पास जाया करता था, तो वो रिपोर्ट कार्ड भी प्रिंसिपल महोदय के पास पहुंचा। जब प्रिंसिपल महोदय ने राजू का रिपोर्ट कार्ड देखा तो वो चौंक गए।
उन्होंने अध्यापिका को तुरंत बुलाया और उन्होंने उनसे पूछा कि इस बालक का रिपोर्ट कार्ड आपने सिर्फ नकारात्मक विचारधाराओं, नकारात्मक व्यक्तियों से भर दिया है, क्या इसमें एक भी सकारात्मक गुण नहीं है? तो शिक्षिका ने कहा कि मान्यवर, इस बालक में एक भी अच्छे गुण नहीं है, ये बिल्कुल निकम्मा है, ये किसी भी काम लायक नहीं है। और इतना कहते हुए वहां से उठकर चली गई। प्रधानाचार्य महोदय को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने अपने सहायक से कहकर राजू के पिछले वर्ष का रिपोर्ट कार्ड निकलवाया और उसको अध्यापिका के टेबल पे रखवा दिया। दूसरे दिन जब अध्यापिका आई तो उन्होंने राजू का रिपोर्ट कार्ड अपने टेबल पे रखा हुआ पाया और मन में सोचा कि ऐसा ही होगा जैसा मैंने बनाया है, ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड गत वर्ष का भी होगा इसका। तो उन्होंने उसे उठाकर खोलकर देखा तो बहुत चक्की सी रह गई। उसमें लिखा हुआ था कि राजू क्लास का सर्वश्रेष्ठ बालक है, वह बहुत ही बुद्धिमान, संवेदनशील और निपुण है हर कला में। इतना पढ़ने पर तो उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। फिर नीचे प्रधानाचार्य महोदय का एक पत्र लिखा हुआ था कि राजू का मन पढ़ने में इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी माँ कैंसर के अंतिम चरण से जूझ रही थी और घर में देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए बालक का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था और अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है और वह पूर्णतः टूट चुका है, इस कारणवश वह पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता है और वह क्लास में शारीरिक रूप से तो प्रेजेंट रहता है लेकिन मानसिक रूप से वह टूट चुका है और वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। अब यह बात सुनकर अध्यापिका के रोए खड़े हो गए। उन्हें लगा कि कितना बड़ा अपराध उनसे हो गया है, उन्होंने एक बालक को बिना समझे बिना जाने कितनी बड़ी सजा दे दी है। अब वो खुद को क्षमा नहीं कर पा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। उन्होंने अपने आप को समझाने की कोशिश की लेकिन आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उन्होंने साड़ी के पल्लू से आंसू को पोंछा, आंसुओं को पोंछकर वह अपने घर चली गई। और दूसरे दिन जब वह कक्षा में गई तो उन्होंने अपने रवैये में कोई अंतर नहीं दिखाया, सिर्फ इतना किया जैसे ही जैसे वह बात करती थी, जैसे वह वार्तालाप करती थी वैसे ही वह बात करने लगी, वैसे ही वह वार्तालाप करने लगी और उन्होंने एक प्रश्न राजू पर दाग दिया। अब राजू फिर सर झुका लिया, राजू ने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद राजू को एहसास हुआ कि आज कोई उस पे हंस नहीं रहा था, शिक्षिका उसका मजाक नहीं उड़ा रही थी। और जब उसने शिक्षिका के चेहरे की तरफ देखा तो उनकी भौंहें तनी हुई नहीं थी, उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कुराहट थी और उन्होंने उसी सौम्य मुस्कुराहट के साथ राजू को अपने पास बुलाया और उत्तर बताते हुए उसे दोहराने को कहा। राजू पहले दूसरी बार तीसरी बार तो ना बोला लेकिन चौथी बार में राजू का जो डर था वह खत्म हुआ और उसने उत्तर को दोहराया। जैसे ही उसने उत्तर को दोहराया शिक्षिका ने खुद ताली बजाते हुए बच्चों से ताली बजवाई और राजू का मनोबल बढ़ाया। इस तरीके से अब रोज होने लगा था, वह रोज राजू को प्रश्न पूछती थी। राजू धीरे धीरे अपने शोक आगमन हृदय से बाहर आने लगा था और वह खुद उत्तर देने लगा था। अब शिक्षिका को उत्तर देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह उत्तर खुद देता था और
प्रश्न पूछकर लोगों को चौंकाता भी था, नए नए प्रश्न पूछता था और लोगों को चौंका भी देता था। इस बार उसका जो रिजल्ट आया वह सभी को हैरान कर देने वाला था। राजू अपनी 5वीं कक्षा में द्वितीय श्रेणी से पास हुआ था और अब 5वीं क्लास से उसे दूसरे स्कूल में दाखिला लेने का समय आ चुका था। सारे बच्चे अपने शिक्षक को कोई ना कोई उपहार दे रहे थे और शिक्षक का टेबल उपहारों से भरा पड़ा था, पहाड़ जैसा बना पड़ा था। उस उपहार में एक अखबार में लिपटा हुआ कोई उपहार, छोटा सा नन्हा सा उपहार रखा हुआ था। सारे बच्चे उसको देखकर तुरंत ही समझ गए कि ये राजू का उपहार होगा और शिक्षिका ने भी जैसे ही उस उपहार को देखा लपक कर उन्होंने वो अखबार वाला उपहार निकाला और उसमें एक इत्र की सीसी थी जो इस्तेमाल की हुई थी, आधी भरी थी आधी खाली थी। उस इत्र की सीसी को शिक्षिका ने निकाला और अपने ऊपर इत्र को डाला और एक कंगन था जिसके मोती झड़ चुके थे, लेकिन शिक्षिका ने उस कंगन को अपने हाथों में पहन लिया। सारे बच्चे इस चीज को देखकर बहुत अचंभित हुए और राजू भी चौंक गया, लेकिन राजू ने हिम्मत जुटाई और शिक्षिका के पास जाकर कुछ कहने की कोशिश की जो कि अटक अटक कर निकली कि आज आप मेरी माँ जैसी महक रही हैं, आज आपसे मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। शिक्षिका की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने राजू को गले से लगा लिया। अब राजू वहां से विदा होने वाला था और वो दूसरे स्कूल में दाखिला ले चुका था और ये सिलसिला चलता रहा एक साल दो साल तीन साल, जब तक राजू स्कूल में पढ़ता रहा। हर साल उस शिक्षिका के पास पत्र आता था और उसमें लिखा होता था, इस साल भी मैंने बहुत सारे शिक्षकों को देखा, उनसे पढ़ा सीखा, लेकिन मुझे आप जैसा शिक्षक कहीं भी नहीं मिला, आप जैसी शिक्षिका मुझे कहीं भी नहीं मिली। ये जो नियम है ये काफी समय तक चलता रहा। अब राजू पढ़ाई पूरी कर चुका था और पत्र का सिलसिला भी खत्म हो चुका था और ये जो शिक्षिका थी वो रिटायर हो चुकी थी और रिटायरमेंट के बाद ये अपने घर में रहने लगी थी। एक दिन इनके घर मेल आता है, मेल आया, उसमें राजू का पत्र था और ये प्रफुल्लित हो उठी, खुश हो गई कि राजू का इतने दिनों बाद पत्र आया है। उसमें लिखा था कि माँ मैं शादी करने जा रहा हूँ लेकिन मेरी शादी आपके बिना अधूरी है और शादी हो ही नहीं सकती अगर आप नहीं होंगी, और जब तक आप नहीं आएंगी तब तक शादी नहीं होगी, आपका डॉक्टर राजू। तो राजू अब डॉक्टर बन चुका था और उस खत में आने जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट थे। अब शिक्षिका अपने आप को, अपने मातृत्व भाव को, अपनी ममता को रोक नहीं पाए, अपने पति से अनुमति लेकर वह शादी की मंडप की ओर रवाना हो गई। और जब वो वहां पहुंची तो उन्हें कुछ देर हो चुकी थी, उन्होंने सोचा समारोह संपन्न हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, लेकिन वह देख के आश्चर्यचकित रह गई कि मंडप में पंडित भी हैरान हैं, बाराती भी हैरान है, घराती भी हैरान है, सभी लोग हैरान परेशान हैं कि दूल्हा आ क्यों नहीं रहा है, दूल्हा दरवाजे पे खड़े टकटकी लगाए किसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही राजू ने अपनी शिक्षिका माँ को देखा वो दौड़ कर उनकी तरफ गया और वो हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में आज भी वह कंगन था जिसके मोती झड़ चुके थे, वह आज भी वो पहने हुए थी और उन्हें वो लेकर मंडप में आया और माइक लेकर अनाउंस किया कि भाइयों और बहनों, मेरे मित्रगणों और मेरे परिवारजनों, जिनको आप देखना चाहते थे, आप कहते थे कि मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ, वह घड़ी आ गई है और मेरी प्यारी माँ मेरे साथ है, ये है वो मेरी प्यारी माँ। तो उस शिक्षिका के हृदय पे जो प्रभाव पड़ा, उस शिक्षिका को जो सम्मान मिला,
और राजू को जो उस शिक्षिका से प्यार मिला, ये शिक्षक और छात्र, टीचर एंड टॉट का रिश्ता है, ये बहुत ही पवित्र रिश्ता है। इसको इसी तरीके से पवित्रता से निभाएं, इसमें कठोरता की जरूरत नहीं है, इसमें ममता, सद्भावना और एक दृष्टिकोण की जरूरत है, अनेक दृष्टिकोण की जरूरत भी नहीं है। हमें एक दृष्टिकोण से बायस्ड नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ समान रूप से हमें व्यवहार करना चाहिए, हमें बच्चों की परेशानियों को जानना चाहिए। ऐसे अनेक राजू होंगे जो मौन रहते होंगे और अपने अंदर की भावनाओं को नहीं निकालते होंगे, उनकी भावनाओं को समझें, उजागर करें, सोचें। और एक राजू, एक डॉक्टर राजू, एक डॉक्टर इंजीनियर राजू से बहुतेरे राजू बनेंगे, बहुतेरे डॉक्टर, बहुतेरे इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे। बस हम शिक्षक गणों की, ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे बनने वाले शिक्षकों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे बच्चों को नकारात्मक सोच देने के बदले सकारात्मक ऊर्जा से भरा जाए, जिससे कि उनका जीवन उज्ज्वल हो सके। तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप जितने भी शिक्षक गण हैं या जितने भी शिक्षक गण बनने वाले हैं, आप इस कहानी से प्रेरणा लेंगे और समाज को परिवर्तित करने में सहयोग करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। विदा लेते लेते फिर कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो काइंडली करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।